हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स ऑफ गर्ल्स। मैं हूँ स्वाति। तो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि आपको कहीं ट्रैवल पे जाना है, किसी की शादी में जाना है, किसी गेस्ट के यहाँ जाना है, तो किस तरीके का मेकअप आप पैक करके ले जाएं कि बहुत ज़्यादा सामान आपके पास ना हो। तो सबसे पहले तो मेकअप बॉक्स की बात कर लेते हैं कि बॉक्स ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही कम जगह में आसानी से आ जाए और स्टोरेज काफ़ी अच्छा हो। तो ये जो बैग्स हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। मैंने ये ऑफलाइन लिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें डबल चेन है, ऊपर भी आप सामान रख सकते हैं और नीचे भी। अब इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि आपका सामान कम से कम जगह में अच्छे से आ जाए, तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो हम अपने साथ ट्रैवल में ले जाएं, जिससे कि हमारा सारा ज़रूरत का सामान भी आ जाए और बहुत ज़्यादा सामान ना हो। तो पहले तो स्किन केयर की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो मस्ट हैव होना ही चाहिए, तो आपको टोनर, मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, इनको आप रख लीजिए। इसके बाद लिप बाम एंड साथ ही एक आप नॉर्मल पाउडर भी रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है टचअप देना होता, टाइम नहीं होता, तो सिंपल पाउडर लगाए और बस काम हो जाता है। एंड उसके बाद होना चाहिए मस्ट कॉम्ब, जरूर होना चाहिए। एंड हमारे इसी ट्रैवल पैक में एक हैंकी, छोटा सा, देखिए बहुत छोटा है, जो कि ये मेरी मम्मी ने हाथ से बनाया था, बहुत छोटा सा हैंकी है, ये जरूर होना चाहिए। मेकअप करते समय आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कॉम्पैक्ट। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा मेकअप ब्रशेस ना लें, क्योंकि आई मेकअप तो हम फिंगर से भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। इसका एक ब्रश मैं हमेशा रखती हूँ, जिससे कि हम अपना पाउडर, ब्लश, हाइलाइटर सब कुछ जिससे मेरा अप्लाई हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा आई शेडो पैलेट लीजिए जिसमें कि वो सारे कलर्स हों जो कि आपके फेस को हाईलाइट भी कर दें, ब्लश भी कर दें, और प्लस आपका आई मेकअप तो उससे होना ही होना है। तो बस एक पैलेट में वो सारे कलर्स आ जाएं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मेरा काफ़ी पुराना ये पैलेट है, लेकिन जब भी मैं ट्रैवल पे जाती हूँ तो इसको जरूर ले जाती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लाइट शेड्स भी मिल जाते हैं और डार्क शेड्स भी मिल जाते हैं। जैसा मुझे मेकअप करना होता है मैं उस टाइप का मेकअप इससे कर लेती हूँ। तो ये इस तरीके का आई शेडो पैलेट आप अपने साथ ट्रैवल पे एक जरूर ले जाएं। उसके बाद बात करते हैं कि अब इतनी सारी चीज़ें हम कैसे इसमें कैरी करेंगे। तो यहाँ पर फाउंडेशन नहीं रखना है, बीबी क्रीम रखनी है, क्योंकि फाउंडेशन से हमेशा आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं, लेकिन बीबी क्रीम से ऐसा नहीं होता है, आप बीबी क्रीम रख सकते हैं। हेयर सीरम होना चाहिए, छोटू सा हेयर सीरम कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये मैं लिवॉन हमेशा अपने मेकअप बैग में रखती हूँ। इसके बाद आपको इमरजेंसी के लिए शैम्पू का पाउच होना चाहिए एंड कुछ क्लचर्स होने चाहिए, ताकि आपको कभी भी हेयर से दिक्कत हो रही है तो क्लचर्स आपके मेकअप बॉक्स में होने चाहिए। ऑलवेज सेफ्टी पिंस हमेशा होने चाहिए, कभी आपको दुपट्टा टक करना है, साड़ी टक करनी, तो उसके लिए सेफ्टी पिंस होने चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा हेयर क्लिप्स भी रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी बहुत काम आती हैं। एंड इसके बाद अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि लिपस्टिक हो गई, और हमें एक शेड से तो काम चलता नहीं है, बहुत सारे शेड्स चाहिए होते हैं, तो लिपस्टिक हैं और काजल है, आईलाइनर है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे रखें, क्योंकि ये तो मेकअप बॉक्स में बहुत मैसी मैसी हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, मेरी ये गुड वाइप की जो क्रीम है वो इस डिब्बे में आई थी, तो क्रीम तो ईजिली आप कहीं भी साइड में रख सकते हैं, ये बॉक्स हो गया खाली। अब इसमें मैं वो सारी चीज़ें रख सकती हूँ जो कि मुझे ज़रूरत में, जैसे कि काजल हो गया और इसमें आसानी से आ भी जाते हैं। एक ये हमारा लिप क्रियोन हो गया, इसके बाद लाइनर हो गया, फिर से आईलाइनर हो गया, लिपस्टिक हो गई। तो जितनी भी टाइप के आपके इस टाइप के ये जो मतलब प्रोडक्ट होते हैं ना, जो पेंसिल टाइप वाले, आईब्रो पेंसिल हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। प्लस आपका जो मेकअप बॉक्स है वो मैसी भी नहीं होगा, और आपको जब भी कुछ भी लगाना है आपने बस बॉक्स निकाला और इसमें से निकाला, प्रोडक्ट यूज़ किया और ऐसे इसको रख दिया, तो आपका जो मेकअप बॉक्स है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। इसके बाद एक नेल पेंट आप ज़रूर अपने मेकअप बॉक्स में रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारे नेल्स बहुत गंदे लग रहे हैं, तो बस ऊपर से कोट मार लिया, बहुत ही बढ़िया काम चलता है। इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर आपको हमेशा रखना है, ये ब्यूटी ब्लेंडर ये हमेशा मेकअप बॉक्स में होना चाहिए। सैनिटाइजर हमेशा आप या तो अपने पर्स में रखें, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप इसको अपने मेकअप बॉक्स में रख लें, या फिर पर्स में भी रख सकते हैं।
फिर एक एंटीसेप्टिक क्रीम का पाउच आपके पास होना चाहिए। कभी भी होता है कि हम ट्रेवल पे जा रहे हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वहां पर क्या लगाएं कुछ समझ नहीं आता, तो एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोप्लस से अच्छी मुझे कुछ नहीं लगती है, तो ये आपके पास होना चाहिए। एंड ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ये कंसीलर आप जरूर रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है रील्स बनानी है, वीडियोस बनाने हैं, तो कंसीलर आप रख लीजिए। तो सामान तो रख लिया, अब ऑर्गेनाइज कैसे करें, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ये जो फर्स्ट नंबर वाला चेन है, इसमें हम अपना रखेंगे स्किन केयर प्रोडक्ट और जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे मॉइस्चराइजर हो गया, बॉडी लोशन है, लिप बाम है, कॉम्ब है, टोनर है, इनको हमने एक अपर चेन में रखा है। इसके बाद जो हमारा मेकअप का सामान है वो हमने नीचे रखा है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस है। अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप और भी चीज़ें इसमें बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये देखिए नीचे मैंने अपना आई शेडो है, बीबी क्रीम्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, कंसीलर है एंड ब्यूटी ब्लेंडर, ब्रशेस, ये सब हमने नीचे के साइड में स्टोर किया है। तो बहुत ही बढ़िया छोटू सा हमारा ऑर्गेनाइज्ड मेकअप बॉक्स यहाँ पर रेडी है ट्रैवलिंग के लिए। तो अगर आप जाएं और इसको आप अपने ट्रॉली में, बैग में, कहीं भी छोटी सी जगह में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये आ जाता है। तो अब आपको हैवी मेकअप बॉक्स अपना ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके का पाउच बैग खरीद सकते हैं और उसमें आप अपना मेकअप कैरी कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।